पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, गाजियाबाद के पुलिस उपाधीक्षक यातायात और पुलिस अधीक्षक यातायात, और हमारे गाजियाबाद के ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो मुख्य हैं श्री परमल तिवारी जी, और इस इलाके के जो मोहननगर का इलाका है इस सर्किल के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं संतोष कुमार जी हैं, उन्होंने जो आज अपने यहाँ पर टीम स्टैंड की है जहाँ पर इंडियन एयरपोर्ट के टोल चक्कर पर हमारे PSI जिनको बोलते हैं पुलिस जाते हैं बोलते हैं इनको और इनके साथ ट्रैफिक टीम मौजूद है यहाँ पर देखें ये वाहन चालक भी मौजूद है। तो मैं मोहम्मद अखलाक ट्रैफिक गांधी छोलक वाला रोड सेफ्टी से ट्रैफिक सेंटिनल आज एक ऐसे जगह पर मौजूद हूँ जो गाजियाबाद का बहुत ही प्रतिष्ठित चौराहा है जिसको हिंडन एयरपोर्ट का चौराहा कहते हैं, और मेरे साथ में मौजूद है तमाम यहाँ वाहन चालक। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, और बुद्धं शरणं गच्छामि, सबका मालिक एक, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। तो मैं मोहम्मद अखलाक सेफी गांधी जी छोलक वाला आपसे इस वजह पर रुका हुआ हूँ यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करने चाहता हूँ, सड़क सुरक्षा माह नवम्बर गुजर गया और अब सड़क सुरक्षा सप्ताह हो गया है, इसके अंतर्गत हमारी जो ट्रैफिक टीम चौराहों पर खड़ी होती है वो केवल आपके लिए खड़ी होती है, उसका कोई भी उद्देश्य हमारी ट्रैफिक विभाग का जरा भी तंग करने का, पनिश करने का, हरेसमेंट करने का बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी ट्रैफिक टीम जब यहाँ पर खड़ी होती है तो वो आपको सही सलामत मंजिल पहुँचाने के लिए होती है और जाम रहित सड़कें देने के लिए होती है। जैसे कहते हैं कितना सुचारू रूप से यहाँ पर हमारी ट्रैफिक टीम जो ये चला रही है और जो जाम की जरा भी दिक्कत नहीं है और सब यहाँ पर चल रहे हैं सही तरीके से। हमारी ट्रैफिक टीम जो है जो हमारे इलाके के ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं और हमारे PSI धर्मवीर भी मौजूद हैं, जरा ये देखें आपके लिए कैसे कैसे स्लोगन लेकर आए हैं, पुरुष महिला का सिर एक जैसा, तो हेलमेट लगाएं दोनों एक जैसा। मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे वाहन चालक होते हैं दुपहिया वाहन चालक होते हैं वो हमारी महिलाओं को हेलमेट नहीं लगाते और उनको ऐसे ही यात्रा कराते हैं, दुर्घटना के समय उनके चोट लग जाती है, क्योंकि अगर आपके पास हमेशा हेलमेट नहीं होगा तो भैया वाहन पर चोट लग जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो हमेशा बाजार जाते हैं और किसी भी चीज़ की वारंटी गारंटी मांगते हैं मगर सिर की गारंटी के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते, उनके लिए हेलमेट पे है सुरक्षा की गारंटी, बिना हेलमेट नहीं है सिर की कोई भी वारंटी, तो आपको अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहिए। ये आप सुरक्षा परिवार की रक्षा सड़क पर सुरक्षित और ध्यान से चले देखिए हमारे जो PSI हैं धर्मवीर सर, जरा ये देखें स्लोगन कितना अच्छा ये कहने वाले हैं, जरा सर प्लीज आप क्या कहते हैं अपने मुंह से कहें अच्छा बदल देखें तो ये उन लोगों के लिए स्लोगन है जो लोग किला ढाला 50-100 रुपये का हेलमेट ले लेते हैं वो हिलता रहता है, उससे जरा भी आपकी सुरक्षा नहीं होगी, आपको हेलमेट हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेकर और बेल्ट वगैरह बांधकर अच्छी तरह रखना चाहिए, तो हमेशा आप यात्रा करते हैं वही यात्रा वो पालन करके चलेंगे और हमेशा जब सड़कों पर चलेंगे तो एक दूसरे का ध्यान रखें। लापरवाही से वाहन ना चलाएं, लापरवाही से वाहन ना चलाएं, अपना वे अपने परिवार का जीवन सुरक्षित बनाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो वो सिक्स वेक करके ड्राइविंग करके लेटा लेटा के मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको कभी भी लेटा लेटा के गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जरा हमारे देखें यहाँ पर कितने अच्छे ट्रैफिक पुलिस के कॉन्स्टेबल हैं, ये देखें मैं चाहता हूँ कि स्लोगन को आप बोलें, ये देखें ये उन लोगों के लिए स्लोगन है जो लोग सब प्लीज आ जाए, ये उन लोगों के लिए स्लोगन है जो दुपहिया वाहन चालक एक सवारी से अधिक सवारी अभी ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, एक सवारी ही यात्री बिठाना चाहिए और उसके लिए क्या है स्लोगन जो देखें,
भाई कहे कर रो रो कर, भाई कहे रो रो कर, टू व्हीलर हूँ कार नहीं, मुझ पर यारो तरस करो, दो बैठो चार नहीं। इसलिए हमेशा आपको यात्रा करते समय दोपहिया वाहन पर हमेशा दो सवारी बिठा कर चलना चाहिए, एक चालक और एक सह यात्री, इसके अलावा चलाना अपराध है और इसके लिए आपका चालान भी करा जाएगा। ज़्यादा समय न लेकर, क्योंकि इन लोगों के पास समय कम है, इसलिए मैं अपने जो हमारे ट्रैफिक और इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर धर्मवीर सर, इनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि गाज़ियाबाद के नागरिकों के लिए और यहाँ से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर, बोलें बोलें। आप सभी गाज़ियाबाद के निवासियों को दरख्वास्त करनी चाहता हूँ, विनती करनी चाहता हूँ कि आप जब उनको मतलब याद करें तो पालन करके चलें और हमेशा सुरक्षित होकर चलें, क्योंकि ये जीवन आपको अल्लाह ने भगवान की कीमत दिया है, जीवन को बेवजह दुर्घटनाओं में समाप्त ना करें। आप हमेशा सुरक्षित चलेंगे तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, क्योंकि घर पर आपका परिवार शाम को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। मैं नौजवान था जब उतर ही रहा हूँ, मेरे पास आप ट्रैफिक के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपने विचार? हमारी इलाका आला पुलिस भी आपके लिए ही कार्य करती है। तो जय हिंद, जय भारत।